चल तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, काफी टाइम हो गया था। और आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ मैं अपने सब्सक्राइबर्स का कि मेरी 4K फैमिली है जो वो कंप्लीट हो गई है यूट्यूब की। तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरी वीडियोस देखने का, मेरे चैनल सब्सक्राइब करने का। ऐसे ही मेरे साथ जुड़ते रहो ताकि मैं नई से नई वीडियो अच्छी से लेकर आता रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो होने जा रही है वो होने जा रही है रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स के बारे में, जो मैंने एक्चुअली खुद पर्सनली परचेज किया है अपने लिए। आपको पता है मेरे पास फोन अच्छा नहीं था, जिससे मेरे को कमेंट कर रहे थे कि वीडियो अच्छी नहीं बनती है, कैमरा अच्छा नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो फ्रेंड्स, काफी टाइम हो गया था मेरे को जॉब करते हुए, तो पैसे काफी इकट्ठे कर रहा था क्योंकि मेरे को चाहिए था एकदम बेस्ट फोन। जैसे आपकी भी मांग होती है कि एक चाहिए एक 20,000 के अंडर एकदम बेस्ट फोन, जिसमें हमें कैमरा, बैटरी, प्रोसेसर, गेमिंग फोन, हर एक चीज, स्क्रीन फ्रेश रेट, हर एक चीज जो हमें चाहिए, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, वो हर फोन में कोई ना कोई कमी होती है। पहले मैं रियलमी 8 प्रो की तरफ जा रहा था, कभी मैं पोको की तरफ जा रहा था, तो कभी मैं जा रहा था IQ की तरफ। तो ऐसे 2-3 फोनों की तरफ जा रहा था। मैंने काफी ऑनलाइन देखा, यूट्यूब पे भी बहुत जो यूट्यूबर्स बताते हैं कि ये ले लो वो ले लो, तो काफी फोन्स के बारे में देखा। तो मैंने अपना सारा, जैसे ही मेरे को नॉलेज थी उसके हिसाब से मैंने 20,000 के अंडर जो है बेस्ट फोन हो ये है ये परचेज किया। तो फ्रेंड, इसकी जो है वीडियो होने जा रही है वो होने जा रही है Redmi Note 10 Pro Max After 50 Days Review। तो करने जा रहे हैं कि 15 दिन मैंने ये चला लिया है, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं वो आपसे शेयर करने जा रहा हूं कि ये कैसा चल रहा है। 20,000 खर्चे है, कहीं मेरे पैसे बर्बाद तो नहीं हो गए हैं, मतलब फायदा हुआ है लगाने का, या कोई और फोन लेते। सैमसंग भी है, M31 आ जाता है, M52 आ जाता है, सैमसंग के सेट हैं, पोको है, ओप्पो इनफिनिक्स है, वीवो है, बहुत फोन है। तो फिर भी रेडमी क्यों? ये तो बहुत गर्म होता है, बहुत कुछ है। मैं भी फ्रेंड्स आपकी इतना ही था, मुझे भी लगता कि रेडमी के फोन बहुत बेकार है। मैंने फर्स्ट टाइम रेडमी का फोन परचेज किया है, वो भी Note 10 Pro Max, और ये ऐसा लगता है कि मैं रेडमी का फोन चला ही नहीं रहा क्योंकि इसका सिस्टम लग गया। तो आज हम इसके ऊपर, इसकी इंफॉर्मेशन, इसकी डिटेलिंग रिव्यू करने जा रहे हैं, इसकी हर एक बारे में, कमी के बारे में, इसकी कोई कमियों के बारे में बात करेंगे, इसकी अच्छाइयों के बारे में बात करेंगे, जो भी इसमें मेरे को डिसअपॉइंट लगा है वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, और इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है क्या नहीं, सारी डिटेल देने वाला हूँ। तो वीडियो करते हैं शुरू, दिखाते हैं इसके अंदर हमें क्या मिलता है, चार्जर, हेडफोन, क्या क्या मिलता है, तो फोन कैसा दिखता है वो सब मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखो, ये हमें डब्बा कुछ ऐसा मिलता है जो मेरी, और रैम देखो आप देख सकते हैं 128 है, नी ब्लू है, ठीक है, 108 MP का कैमरा है, इसमें मेड इन इंडिया लिखा है, पता नहीं है मेड इन इंडिया क्यों लिखा है, मुझे नहीं पता, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, जो भी है मेरे को अच्छा फोन है। देखो रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स, ठीक है, इसके पीछे इसकी सारी डिस्क्रिप्शन आ जाती है, इसमें क्या है ये देख सकते हैं, इसमें स्क्रीन इतनी है, इसमें जो हमें बैटरी है वो 5020 mAh की मिलती है, जो पूरा 24 घंटे एकदम ओके रिपोर्ट चलती है, जिन्हें मर्जी गेमिंग कीजिए आप, जो मर्जी कीजिए। और इसका प्रोसेसर एकदम बेस्ट है मुझे जो लगता है, स्नैपड्रैगन 732G है फ्रेंड, जो गेमिंग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा दे देता है। ठीक है, अब इसको खोलते हैं। ठीक है, फ़ोन तो मैंने निकाल लिया, उम्मीद मत रखना कि फ़ोन इसके अंदर हो, कि 15 दिन हो गए चलाते को हमें कुछ ऐसे इसमें देखने को मिल जाते हैं, ये पेपर पेपर है उसमें बहुत ज़्यादा, क्या बोलें इसमें, क्या करूँ मैं इसको, पढ़ के तो दिखाऊंगा नहीं। इसमें पिन मिल जाती है, वो मैंने अपने पर्स में डाल लिया। ठीक है, और यहाँ पर, यहाँ डाटा केबल थी वो भी निकाल ली है। ठीक है तो ये है इसका चार्जर फ्रेंड्स, का चार्जर में जो हमें है दिखाते, देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमें जो है, जो ये चार्जर है वो 30 वॉट का दिया जाता है, जिससे जो हमारा चार्जिंग है जो फ़ोन, वो कम से कम आधे आधे घंटे और घंटे के बीच में, मतलब मेरे ख्याल से 40-50 मिनट के अंदर आपका फ़ोन जो है फुल चार्ज वो जो हो जाता है। तो हम बात करने जा रहे हैं रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स, ये आपके सामने आता है, तो इसकी स्क्रीन कुछ ऐसी दिखाई देती है। ठीक है फ्रेंड्स, स्क्रीन इसकी काफ़ी बड़ी है, आपको जैसे मैं दिखाया कि इसकी जो है स्क्रीन है वो 6.7 इंच की स्क्रीन मिल जाती है हमें, पीछे से काफ़ी जो है अच्छी इसकी कलर बहुत अच्छा है, इसका रिफ्लेक्शन देखिए कितना अच्छा मिल जाता है, और ये कैमरा है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, जैसे आपको फ़ोन दिखा रहा था, इसमें
इतना फास्ट है ना ये, क्या बताऊँ मैं आपको इसके बारे में। इसमें मतलब हैंग प्रॉन तो आपको बिल्कुल देखने को मिलेगी ही नहीं। यहाँ से साइड से अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएंगे, और साइड से करेंगे तो मैसेज वगैरह नोटिफिकेशन आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, हम तो अब बात करने जाते हैं इसके कैमरे की, तो कैमरा दिखा देते हैं आपको। इसमें कैमरा देखो, ये देखिए फ्रेंड्स, कैमरा प्रो, यहाँ से प्रो कैमरा आप निकाल सकते हैं। इसमें इतने ऑप्शन है ना, ये देखिए फ्रेंड्स, में इतने ऑप्शन है। ये देखिए यहाँ पर है 120, आप 30 FPS पे चला सकते हैं, 1030 FPS पे, स्पेस पे देखिए 180 पे पिक्सल पे चला सकते हैं आप इसको, 4K भी स्पेस। अब इसमें हर एक चीज़ के ऑप्शन हमें दिख जाते हैं, इसमें बहुत ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो इसका कैमरा तो छोड़ ही दो, देखो फ्रेंड्स इसमें कैमरे की जूम एक बार दिखा देते हैं आपको मैं। ये देख सकते हैं, ये देखो ये देखो ये देखो, कैमरा तो लाजवाब है। करूँगा अपना एक्सपीरियंस तो इसमें आपको मैं इसमें फोटोज़ वगैरह दिखा देता हूँ आपको, मैं जो इस फोन में खुद खींच। ये देखिए फ्रेंड्स फोटो देखो फ्रेंड्स कैसी, इसमें पूरा जो है वो फोटो शूट हो जाता है इसमें। ये देखिए ये देखो कैमरा तो उसमें मैं बात ही छोड़ दो फ्रेंड्स, आपको कैमरे की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स। ये देखो इसमें एक एक फोटो ना, ये फोन फ्रेंड्स प्रो से खींची गई है ये, अभी मैंने 108 पे नहीं की है, जब 108 पे करते हैं तो बात ही छोड़ दो। ये देखो फ्रेंड्स, ये जो है मैंने 108 से खींची है, फुली HD कैमरा, जिसकी फुल जो क्वालिटी होती है। और इसको ध्यान से देखो, आपको इतनी अच्छी क्वालिटी शायद शो नहीं होगी क्योंकि मैं फ़ोन से दिखा रहा हूँ, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखो ज़रा ध्यान से इसको, आप यकीन नहीं करेंगे कि इतनी इतनी इतना जूम, ये देखो इतना जूम, इतनी अच्छी क्वालिटी, ये है फ्रेंड्स इसके कमाल। तो मेरे को कैमरा अच्छा चाहिए था क्योंकि आपको पता है मैंने ब्लॉग्स वगैरह शूट करने होते हैं, अब जो भी वीडियो आएगी वो धमाकेदार आएगी। बात ही छोड़ दो, कैमरा तो इसका दोस्तों एकदम नेक नंबर वन है कैमरा। अगर आपको कैमरा फ़ोन चाहिए 20,000 के अंडर, तो इससे अच्छा फ़ोन आपको नहीं मिलेगा अगर आप कैमरा फ़ोन चाहते हैं। तो बात करने जा रहे हैं इसकी, अब दूसरी बात आती है इसकी गेमिंग की। अरे इसकी में आपको हमें जो है स्टीरियो स्पीकर दिए जाते हैं, स्टीरियो स्पीकर दिए जाते हैं, तो इसमें क्वालिटी है जो वो एक नंबर हो जाती है। आपको मैं दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, इसकी आवाज़ एक बार देखो, इसकी आवाज़, क्योंकि हमें ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ स्पीकर दिख रहा है आपको फ्रंट में और ये बैक में, दोनों तरफ स्टीरियो स्पीकर दिए जाते हैं, जिससे हमारी हमें म्यूजिक इतना अच्छा इसमें मिलता है। और अब देख सकते हैं इसमें हमें वीडियो कैसी चलती है इसमें, ये देखो फ्रेंड्स सुपर एमोलेड डिस्प्ले का कमाल देखो, आवाज़ देखो कितनी हमें अच्छी मिल रही है, आवाज़ देखो, साउंड देखो फ्रेंड्स। हर ये था हमारा आज का सेट, तो ये अपना एक्सपीरियंस आपको मैंने शेयर किया, अब इसकी डिटेलिंग के बारे में और बात तो करते हैं। फ्रेंड्स मैंने आपको Redmi Note 10 Pro के बारे में डिटेलिंग में बता दिया है कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है।